जिस तरीके अज केंद्र की सरकार ने घटिया राजनीति करते हुए सरदार मनजिंदर सिंह सरसा को फोर्स करके भारतीय जनता पार्टी के शामिल कराया, ये मैं समझता कि सिखा के धार्मिक बसियां के सीधी जखमदर्दी और खालसा पंथ के उत्ते बहुत वड्डा हमला और सिख गुरधामां नूं कंट्रोल करने की केंद्र की पुरानी नीति का एक हिस्सा है। पर सानूं अफसोस है कि सरसा साहब इस बेइंसाफी के खिलाफ लड़न की बजाय उन्होंने जिहड़ा बीजेपी में शमूलियत कर ली, जदों के सरदार हरबीर सिंह कालका अज भी चट्टान वांगू खड़े। एक पासे 2022 दीआं विधानसभा चोणां सिर ते ने, दूजे पासे दल बदलियां दा सिलसिला भी शुरू हो गया। अकाली आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने अकाली दल नूं वड्डा झटका दिंदिआं भाजपा दा पल्ला फड़िया। इस मामले ते सीनियर अकाली आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने इस नूं केंद्र सरकार दी घटिया राजनीति करार दित्ता है। चीमा दा कहना है कि केंद्र ने घटिया राजनीति करदिआं सिरसा नूं फोर्स करके भाजपा च शामिल करवाया है। इह खालसा पंथ ते हमला है जो सिख गुरधामां नूं कंट्रोल करन दी केंद्र दी पुरानी नीति दा हिस्सा है। जिस तरीके अज केंद्र दी सरकार ने घटिया राजनीति करते हुए सरदार मनजिंदर सिंह सरसा नूं फोर्स करके भारतीय जनता पार्टी दे विच शामिल कराया, यह मैं समझदा कि सिखा दे धार्मिक बसियां दे विच सीधी दखलंदाजी और खालसा पंथ दे उत्ते बहुत वड्डा हमला और सिख गुरधामां नूं कंट्रोल करने की केंद्र की पुरानी नीति का एक हिस्सा। एक साजिश तहत पहला दिल्ली कमेटी जिहड़ी नवी चुनी, जिन्हों श्रोमणी अकाली दल के लोगों ने शक्ति दी, पहला 11 मैंबर के उत्ते केस दर्ज किए गए, फिर सरदार मनजिंदर सिंह सरसा के उत्ते और कालका जी के उत्ते केस दर्ज किया गया। पर सानूं अफसोस है कि सरसा साहब इस बेइंसाफी के खिलाफ लड़न की बजाय उन्होंने जिहड़ा बीजेपी में शमूलियत कर ली, जदों के सरदार हरबीर सिंह कालका अज भी चट्टान वांगू खड़े। पर केंद्र सरकार नूं मैं कहना चाहुंदा कि यह इंदिरा गांधी वाली जिहड़ी नीति है, इहदे नाल केंद्र सरकार कामयाब नहीं हो सकती। यह बहुत वड्डी बेइंसाफी है, यह धार्मिक मामलों में दखलंदाजी है और खालसा पंथ इहनूं कदी भी जिहड़ा लाइटी नहीं लेगा। केंद्र सरकार नूं इहो जिहे हथकंडे वरतण तों ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 to 8 PM ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।